हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम खबर में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो टोटल पोस्ट की बात कर ले कि 826 पोस्ट पे आपका वैकेंसी का रेशियो निकाला गया था। एग्जाम जो है आपका 6 से 11 जनवरी तक आपका चला गया। एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होने की वजह से आपका 22 जनवरी को एक एग्जाम फिर से कराया गया था। अब दोस्तों बात कर लें कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मैंने एक्सपेक्टेड आपको 10 से 15 फरवरी बताया था, लेकिन आपका रिजल्ट चार से पाँच दिन थोड़ा सा लेट आया था, यानी 21 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ आपके लिए कि जो आपका टेस्ट टेस्ट है वो कब होना है। टेस्ट टेस्ट आपका जो है मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक एक्सपेक्टेड आपको टेस्ट टेस्ट बिल्कुल आपका होना ही है। तो अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ ने पहले ही आपको नोटिफिकेशन में दे दिया का जो क्वालिफाई करेंगे आपको सिलेक्टेड सीट के लिए, टायर सेकंड के लिए आपका जो क्वालिफाई करेंगे उसको 1:8 के, यानी कि एक वैकेंसी पे 8 लोगों को बुलाया जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, मैं आगे इसके लिए अभी चर्चा करूंगा। उसके पहले आपको जो वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे बेल आइकन है वो उसको जरूर दबाइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लास्ट भर्ती का 2019 का एक कैंडिडेट का मिलेगा एडमिट कार्ड, ऐसा इस प्रोफाइल जो आपका स्किल टेस्ट होता है ऐसा आपका एडमिट कार्ड निकल के आता है। और आगे दोस्तों बात कर लूँ कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा आपका, 1 से 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। वहाँ पर क्वेश्चन की संख्या दोस्तों बात कर लें 5 से 7 क्वेश्चन आपको स्किल टेस्ट में देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन मेरिट किस कैसे होगा, मेरिट बेस्ड ऑन टायर फर्स्ट मार्क्स एंड इफ टायर टू क्वालिफाइड, यानी टायर टू जो आपका होगा वो सिर्फ ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और मेरिट आपकी जो है वो टायर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा। आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपके लिए कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है और डेमोस्ट्रेशन मेथड से आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो डीआरडीओ क्या करता है, इंटरव्यू मेथड मोस्टली आप बहुत से आपको चैनल में मिल जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के थ्रू ही सिर्फ स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू मेथड से आपका टेस्ट स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। एक होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है आपका वो थोड़ा सा जैसे कि लेंथी होता है, लेकिन लेंथी क्या जैसे कि आपको 1 से 2 घंटे के टाइम में आपको पूरा करना होता है स्किल टेस्ट। और क्वेश्चन की संख्या बता दूं दोस्तों, पहले आपको वहां पर आपको एंट्री होगी, गेट के पास आपको एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स से आपसे बोला जाएगा कि आप इसमें से एक पर्ची निकालिए। पर्ची निकालने के बाद आपका जो होता है वो सीट नंबर अलॉट होता है, जो पर्ची में आपका सीट नंबर अलॉट होगा उसी ग्रुप में जाकर आपको बैठना पड़ता है। तो इसीलिए बॉक्स से आपका खुद स्वयं आपको पर्ची निकालनी पड़ती है, इसीलिए कराया जाता है दोस्तों। आपके जो सीट अलॉट करी जाती है वो इसी के अकॉर्डिंग की जाती है कि आप अपनी सीट पर बैठ सके जाकर। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस मेथड को डीआरडीओ अपनाएगा कि नहीं, इसका मेथड अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन मे बी पॉसिबल टू आपका जो डीआरडीओ इंटरव्यू मेथड नहीं ले सकता है, वो डेमोस्ट्रेशन मेथड ले सकता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डेमोस्ट्रेशन में से आपको कोई पैनल दे दिया जाता है या कोई बोर्ड दे दिया जाता है, उसका डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको असेंबल करना होता है। पूरा असेंबल करने के लिए आपको उसके बाद एक डायरी मिलती है, डायरी में जैसे जैसे आपने इसको पूरा प्रोसेस किया हुआ है असेंबल के लिए आपको किया है, तो वो पूरा आपको नोट डाउन भी करना होता है। तो पूरा वो जो है डिपार्टमेंट को सेंड भी किया जाता है कि आपने जो भी अपने डेमोस्ट्रेशन मेथड में आपने जो भी करके दिखाया उसको रिटन हैंड में आपको लिख के भी देना पड़ता है एक डायरी में। तो इस तरीके से आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके से आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड से आपका, आगे मैं दिखा दूं आपको कैसे कि जैसे कि आपको ये एक पैनल बोर्ड, ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे पैनल आपको दे दिया जा सकता है, उसका एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको असेंबल करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद वो डायरी में आपको नोट डाउन भी करना होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं आईटीआई में जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक चीजें, टूल्स का नाम भी पता होना, स्पैनर का जैसे पूछ दिया इसका नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, कुछ भी आपका स्क्रू ड्राइवर ले लिया, वर्नियर कैलिपर से हो गया उसका अल्पमाक पूछ देते हैं, तो कोई भी इक्विपमेंट अगर आईटीआई से रिलेटेड आपके ट्रेड से रिलेटेड है उसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। डीआरडीओ के ऑफिशियल साइट पर है, यहाँ पर आपको दिखा दें कि अभी भी कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया है डीआरडीओ ने आपके स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब भी एक्टिवेट लिंक किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका स्किल टेस्ट में भी पॉसिबल टू मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका स्किल टेस्ट का नोटिफिकेशन जो है आपका मिल जाएगा।
तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको अच्छे से तैयार करना है स्किल टेस्ट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत, कीप स्टडी।